नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे मच्छर के बारे में। दोस्तों मच्छर हमें क्यों काटते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा काटने की जो शिकायत रहती है इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज दूंगा। कुछ लोगों का बहुत सारी जो गलत फहमी रहती है उसके अब मैं इस वीडियो में आपको दूर करूँगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों मैं आपको आज 9 कारण ऐसे बताऊँगा जो कि आपका जो मच्छर काटने की शिकायत रहती है इसमें से आपको कोई सा भी कारण हो सकती है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह आपको हिंदी में कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों क्या आपको लगता है कि दूसरे के तुलना में मच्छर ज़्यादा काटते हैं? कोई लोग आपको यह कहते हुए मिलेगी कि जिसका खून मीठा होता है उसको मच्छर ज़्यादा काटते हैं, लेकिन इसके केवल यही वजह नहीं होते हैं कि मच्छर की किसी की खून में ज़्यादा स्वाद आती है तो उसे ही मच्छर काटते हैं। इसके कुछ और भी कारण या वजह हो सकती है। वैज्ञानिकों की मानना भी है कि मच्छर भी कुछ खास लोगों को ही काटते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 9 कारण के बारे में। दोस्तों पहला नंबर पर आता है आपका ब्लड ग्रुप ओ हो तो मच्छर आपको जरूर काटेगी। रिसर्च में देखा गया है कि मच्छर ओ ब्लड ग्रुप के और ज़्यादा आकर्षित होती है। खून की चारों प्रकार होती है जैसे कि ए बी और ओ ग्रुप। कम ही लोगों में ब्लड ग्रुप ओ होती है। इस तरह के खून में कुछ खास प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो मच्छर को आकर्षित करते हैं। दोस्तों शोधकर्ता को मानना है कि मच्छर में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो हर तरह की ब्लड ग्रुप को पचा सके, यानी मच्छर उन लोगों की अधिक काटते हैं जिसका रक्त में शर्करा की मात्रा कम होती है। दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने बियर पी रखी थी बाकी के तुलना में उन्हें मच्छर ने ज़्यादा काटा। लेकिन क्या ऐसा हर शराब के साथ होते हैं या फिर सिर्फ बियर के मामले में होती है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। दोस्तों ऐसा भी पाया गया है कि शारीरिक रूप से सक्रिय लोग के मच्छर अधिक काटते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पसीने में जो लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, एमोनिया जैसे तत्व होते हैं जिनसे मच्छर ज़्यादा तेजी से आकर्षित होती है। इसके अलावा पसीने की गंध से व फूलों से बनी इत्र की खुशबू के कारण भी मच्छर ज़्यादा काट सकते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से भी मच्छर काट सकते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड से भी तेजी से आकर्षित होती है। ऐसे में जो लोग बहुत गैस छोड़ते हैं उन्हें मच्छर अधिक काटते हैं। यह वजह है कि बच्चे की मच्छर बड़े की अपेक्षा कम काटते हैं। दोस्तों तीसरा की कारण बात करें जैसे कि गर्भावस्था। गर्भावस्था के कारण भी मच्छर गर्भवती महिला को काट सकती है। गर्भवती महिलाओं के वैसे भी कई तरह की परेशानियों की सामना करना पड़ सकती है और मच्छर भी उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शोध के मुताबिक गर्भवती महिला अन्य महिलाओं की तुलना में ज़्यादा गहरी सांस लेते हैं, साथ ही उनके शरीर का तापमान अधिक होते हैं। गर्भावस्था के आगे की स्टेज में महिलाओं 21% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और मादा मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड से आकर्षित होते हैं। दोस्तों इसके कारण से गर्भावस्था को जैसे कि गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा मच्छर काटने की शिकायत बनती है। दोस्तों इसका जो चौथा की बात करें जो बैक्टीरिया के कारण भी मच्छर काट सकते हैं। त्वचा पर कुछ विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं जो मच्छर को आकर्षित करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मच्छर त्वचा से दूर रखने में मदद करती है। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं जीन की वजह से भी मच्छर आपको काट सकते हैं। जैसे कि शोध से पता चला है कि आपका जेनेटिक जो मैकेनिज्म यह प्रभावित कर सकता है कि मच्छर आकर्षित होंगे या नहीं। दोस्तों जीन में भी ऐसे कुछ जो तत्व होते हैं जो मच्छर काट सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कंपाउंड्स की वजह से भी जो आपको मच्छर काट सकती है। जो वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ लोगों की
प्राकृतिक रूप से रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे मच्छर दूर रहते हैं। वही कुछ लोगों में जो ऑक्टेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ मच्छर को आकर्षित कर सकते हैं दोस्तों, इसकी वजह से भी आपको ज़्यादा मच्छर काट सकते हैं। महिलाओं को ज़्यादा जो मच्छर काटने की समस्या देखने को मिलती है, मच्छर को मच्छर बड़े और ज़्यादा खुजली वाले बाइट देते हैं और मच्छर उन्हें ज़्यादा काटते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें है डायबिटीज़ की, अगर आपका घर में किसी को डायबिटीज़ है या डायबिटीज पेशेंट है तो उसको ज़्यादा मच्छर काटने की शिकायत देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा डायबिटीज़ की पेशेंट होती है उसका जो खून की जो ब्लड लेवल हाई हो जाते हैं जैसे कि उसे मच्छर आकर्षित करती है दोस्तों इस स्थिति में आपका डायबिटीज पेशेंट को भी ज़्यादा मच्छर काटने की शिकायत रह सकती है दोस्तों इसके अलावा नहाने के बाद मच्छर ज़्यादा क्यों काटते हैं दोस्तों हम जब नहाते हैं तो हमारा स्किन गीला हो जाता है जिसके कारण से मच्छर ज़्यादा काटते हैं दोस्तों। जो मच्छर ज़्यादा गीला होने पर काटते हैं इसका जो मेन रीजन है, जो हमारा स्किन पर जब साबुन लगाते हैं खुशबूदार साबुन, तो इसके कारण से मच्छर आकर्षित होती है दोस्तों इस स्थिति में जो मच्छर ज़्यादा काटने की समस्या देखने को मिल सकती है दोस्तों इसका भी एक सलूशन है, अगर आप स्किन पे साबुन यूज कर रही है जिसके कारण से मच्छर काटने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, आप सब यूज करने के बाद अपने स्किन पर कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप नारियल तेल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं दोस्तों सरसों का तेल यूज करने से जो मच्छर की काटने की शिकायत कम हो सकती है दोस्तों बात करें जो बच्चे में मच्छर ज़्यादा काटने की समस्या, दोस्तों दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं जो उसका स्किन पे बहुत सारी जो बैक्टीरिया जैसे लग जाती है जिसके कारण से मच्छर आकर्षित होती है, इस स्थिति में बच्चे को ज़्यादा मच्छर काटने की समस्या देखने को मिल सकती है दोस्तों इसका अगर मैं सोल्यूशन बताना चाहता हूँ तो अपने घर या आंगन साफ रखिए। अगर आपका घर के आसपास कहीं सा भी जंगल हो या कहीं सा भी तालाब हो उसे क्लीन कीजिए जिसके कारण से मच्छर अंडे नहीं दे सकते दोस्तों, तो इससे करने से आपको बहुत ही राहत मिलेगी दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।